हेलो बच्चों, दिस इज सलोनी अग्रवाल, योर मैथ्स मेंटर एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। हमने अपने पिछले टेंथ की वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करा था। आज हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल। पहला हमारा एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 30 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहले आप जब आप करोगे इसको, तो आप सिंपली पहले 30 को 250 से डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। 240 यहाँ आया 10, फिर ये 30 इधर आ जाएगा, 10 3 30, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब आप इसे लिखोगे तो आप ऐसे लिख दोगे सॉल्यूशन में, बाय EDL 250 इज इक्वल टू 30 इंटू 8 प्लस 10। यहाँ पर हम यही वाली फॉर्म लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी हम ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे इसको, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। हेंस जो HCF होगा, HCF ऑफ 250 एंड 30 इज 10। जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है वो हमारा HCF होता है। सो 10 इज द HCF। क्लियर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अ ट्रेडर हैज 612 डिटॉल सोप्स एंड 342 पेयर्स ऑफ सोप्स। ही पैक देम इन बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ सोप। इफ एवरी बॉक्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ सोप्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ सोप्स इन ईच बॉक्स सच दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर द लीस्ट। सबसे पहली चीज, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसी भी गिवन क्वेश्चन में HCF निकालना है या LCM, तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप ये देख लो कि जो सॉल्यूशन आना चाहिए उस क्वेश्चन का, वो उन दो गिवन डिजिट से कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा। अब देखो, अगर आपको इन सोप्स को बॉक्सेस में पैक करना है, ठीक है, तो बॉक्सेस कह रहा है कम हो, तो ये तो होगा नहीं कि इन दोनों से ज़्यादा आपके सोप्स होंगे, इन दोनों से कम ही होंगे। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द HCF। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं HCF, तो लिख दो क्या आप, रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ 612 एंड 342। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये यहां तक हो गया आपका। अब इसको आप लिख दोगे, सो बाय EDL, इसको लिखते जाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में करा था, 612 इज इक्वल टू 342 इंटू 1 प्लस 270। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहां पर आ जाएगा 342, 342 इज इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस 72। थर्ड स्टेप इज 270 इज इक्वल टू 72 इंटू 3 प्लस 54। अगेन 72 इज इक्वल टू 54 इंटू 1 प्लस 18। एंड द लास्ट स्टेप इज 54 इज इक्वल टू 18 इंटू 3 प्लस 0। सो नंबर ऑफ सोप्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू 18। क्लियर हो गया ये। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। लेट अस सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। इसके हिसाब से क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। मतलब कि जो जो हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक है, उसके हिसाब से कोई भी नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा, और वो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक का कहने का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे हम 12 ले रहे हैं, 12 का हम अगर फैक्टर्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, वही तो होंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो प्राइम फैक्टर्स होंगे दे आर 2 और 3। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर देखो, जैसे हमें पहला एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला है राइट 1800 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसको करोगे आप 900, 450। दिस इंप्लाइज कि 1800 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक की एप्लीकेशन है कि इसके फैक्टर्स यही होंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू किधर भी हो सकती है बट द फैक्टर्स विल बी सेम। नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 6 to the power x एंड्स विद 5। क्या मतलब है इस एग्जाम्पल में, देखिए 6 की पावर x के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 की पावर 3 ऊपर x। ठीक, फिर हमें कह रहे हैं एंड विथ 0 था ओके। तो इसमें है अगर कोई डिजिट 5 में एंड करनी है, दिस इंप्लाइज फॉर एनी डिजिट 2 एंड विद 5 इट मस्ट हैव फाइव एज अ फैक्टर। उसके फैक्टर में 5 का होना जरूरी है क्योंकि तभी तो 5 आएगा, बट इन दिस केस देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, देयरफोर 6 की पावर x कैन नेवर एंड विद 5। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें प्रूफ करना है 5 × 2 × 3 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। कैसे करोगे इसको आप? सबसे पहले हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, दैट इज 1 × 2 × 3 + 1, 5 यहाँ आ जाएगा 6 + 1, दैट इज 5 × 7। ठीक, तो लिख दोगे ये क्या हो गया आपका 35। 35 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 35 वैसे भी क्या है, कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। दो तो यहाँ दिख ही रहे, एक 1 भी है इसका फैक्टर, देयरफोर लिख दोगे ऐसे लिख देंगे इसको, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफोर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब हम आगे डिस्कस करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ (48 and 56) बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन 48 के फैक्टर्स लिख लोगे आप, ठीक 56 के लिख रहे हैं हम, यहां तक आ गए। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स देखे जाते हैं, देयरफोर HCF of 48 and 56 is equal to 2 × 2 × 2, that is 8। और अगर LCM की बात करें, इसको मैंने बताया था पहले भी 2 की पावर 4 × 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 × 7। इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4 × 3 × 7। थ्री थ्री सिक्स इज द आंसर।
Clear? Let us discuss one more example. Find the LCM and HCF of 36, 48 and 60 by prime factorization method. ठीक है, let us do it again. 36 के factors करोगे, that is 2 into 2 into 3 into 3. 48 के factors करेंगे, that is 2 into 2 into 2 3 and 60 के अगर आप करोगे तो आएंगे 2, यहाँ तक आ गया. एच सी एफ की बात करें, 2 2 एंड 3, देयर फोर एच सी एफ ऑफ 36, 48 एंड 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12. एल सी एम की बात करें, एल सी एम ऑफ 36, 48 एंड 60 इज इक्वल टू, इसको पावर नोटेशन में लिख लेंगे, तो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, दैट इज 16 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज 720. क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल यहाँ तक. अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, टू बेल्स टॉल एट इंटरवल्स ऑफ, टू बेल्स टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. इफ दे टुगेदर टॉल एट 9 AM, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे टॉल अगेन एट द अर्लीएस्ट. If they toll together at 9 AM, after how many minutes do they अब देखिए, दो बेल्स जो हैं वो 24 मिनट्स और 36 मिनट्स पर बज रही हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो साथ में 9 AM पर बजी थी तो अगली जब जो साथ में बजेंगी वो कितने बजे बजेंगी. ठीक, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एल सी एम ऑफ 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स. अब एल सी एम क्यों निकाला, एलसीएम अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब हमें किसी भी चीज़ दो हमें जो वैल्यूज दे रखी हो अगर उनसे हमारी वो काम कम इंटरवल में कम टाइम में हो जाए तो हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ. अब यहाँ पर जब बेल्स इंटरवल्स 24 और 36 मिनट्स के बीच में बज रही हैं तो जब आप नेक्स्ट कॉल करोगे तो वो 24 और 36 से कम टाइम में नहीं, उससे ज़्यादा के टाइम में बजेंगी. देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द एलसीएम. सो 24 इज इक्वल टू, थर्टी सिक्स इज इक्वल टू, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, यहाँ पर करोगे आप अचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देयर फोर एल सी एम ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 8 इंटू 9, दैट इज 72 मिनट्स. This implies they will toll again after 72 minutes. Clear हो गया. Next example is
two positive numbers have 12 as their HCF and their product is 633. Let us take one more example. Yahan par two positive numbers have their HCF is 12 and their product is 6336. Find the number of pairs possible for the given numbers. Yahan par hame do numbers lene hain jinka HCF 12 hai. So let the numbers be 12x and 12y. Theek. Where x and y are co-primes. Co-primes jante hain aap kaun sa number hote hain? That is those numbers whose HCF is 1. Theek. To ye numbers hain. Therefore product of the numbers kitna de rakha hai humko? Is equal to 6336. और यहां पर जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो हमारा आएगा दैट इज 144xy. तो दिस इंप्लाइज 144xy इज इक्वल टू 6336. दिस इंप्लाइज xy इज इक्वल टू 44. सो हमसे यहां पर पूछे फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स. देयरफॉर व्हाट कैन वैल्यूज x एंड y टेक दैट इज 4 and 11 or 222 and 144. ये तीन values ये assume कर सकते हैं. Out of these twos, out of these values, ये वाली हमारी co-prime है और ये वाली हमारी co-prime है. क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 as a common factor आएगा. Therefore, this pair is not co-prime. Therefore, जो pairs होंगे, pairs will be 4,11 or 1,44. If you find this content up to the mark and if you want to give any suggestions regarding these videos, do mention in the comment section. So, stay safe and stay tuned at Shikshak Junction.